असलम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना दराज़ का शॉपिंग हॉल जो कि अभी ही मैंने बारह बारह सेल से दराज से शॉपिंग की है थोड़ी सी मेरी वीडियो लेट हो गई है लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल सकें कि आ, क्या क्या चीज़ें हम दराज से ले सकते हैं और ये बेनिफिशियल हैं या बेनिफिशियल नहीं हैं तो चलें आए मैं चलती हूँ अब आप लोगों के साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करती हूँ और देखते हैं कि इन पार्सल्स में क्या क्या है पार्सल्स मैंने पहले ही ओपन कर लिए थे क्योंकि चीज़ें आराम आराम से आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको ओपन कर लेती हूँ कि अगर कोई चीज़ रिटर्न करने वाली है तो फिर मैं उसको रिटर्न कर दूँगी और अगर रखने वाली है तो फिर मैं उसको रख लूँगी तो चलिए देखते हैं कि पहले पार्सल में से क्या निकलता है तो सबसे पहले पार्सल में ये निकला है एक स्टेनर यह आटा वगैरह छानने के लिए है या मैदा वगैरह अगर आपने केक वगैरह बनाना हो तो मुझे ये बहुत ही बेनिफिशियल और यूज़फुल आइटम लगी तो इसको मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये और ये थ्री फिफ्टी इतनी ही रेंज में मुझे मिला था दराज से और ये काफ़ी यूज़फुल आइटम है किचन के लिए तो इसको फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया तो चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्सल में से क्या निकलता है तो ये मैंने ग्लैमरस फेस से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी और ये लिपस्टिक मैंने ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छी इनकी चीज़ें हैं ग्लैमरस फ़ेस की एक बीबी -बी क्रीम मैंने ऑर्डर की थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की बीबी -बी क्रीम है मुझे बहुत पसंद आई है आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली बीबी -बी क्रीम इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही रिज़नेबल रेट्स में मुझे ये चीज़ें मिली थी और मैंने सोचा चले मैं इस लिपस्टिक का स्वैच करके भी आपको दिखाऊँ और बहुत ही पिगमेंटेड लिपस्टिक थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत मुनासिब रेंज में एक बहुत अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक आपको मिल जाती है ग्लैमरस फ़ेस से तो नेक्स्ट जब भी सेल लगे आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और अगर आप सेल ना भी लगे तो भी इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी रिजनेबल रेट्स में मिल जाती हैं और मैंने इनके ही स्टोर से ऑर्डर किया था दराज़ से और ये एक मार्कर आई लाइनर मैंने ऑर्डर किया था यहाँ से और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था तो नेक्स्ट पार्सल में मैंने ये एक शॉपिंग बैग ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था और मुझे ये साइज़ में काफ़ी छोटा लगा लेकिन आइटम ये काफ़ी यूज़फुल है और इसके नीचे भी ये देखें खोलसा बनाया हुआ उन्होंने कि ता, ताकि आप शॉपिंग बैग आराम से नीचे से भी निकाल लें क्वालिटी वाइज़ ये बहुत अच्छा है बहुत यूज़फुल आइटम है लेकिन साइज़ के लिहाज से ना ये थोड़ा सा छोटा है मैंने पहले भी ये मंगवाए हुए हैं लेकिन वो जरा डिफरेंट स्टाइल के थे और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है नेक्स्ट पार्सल में ये मेरे पास एक वाइपर है मिनी वाइपर विंडो वग़ैरह क्लीन करने के लिए और काफ़ी अच्छा बना हुआ था और बहुत यूज़फुल आइटम थी और बहुत ही रिज़नेबल रेट्स में मुझे सब चीज़ें मिल गई थी अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और इसमें देखते हैं क्या है तो ये बहुत ही यूज़फुल आइटम है ये एक ब्लूटूथ बटन है जिसके ज़रिए मतलब जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके लिए एक बहुत यूज़फुल आइटम है कि इसके ज़रिए से आप अपनी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं इजीली इस बटन के ज़रिए अदरवाइज़ आपको बार बार अपने मोबाइल से वीडियो को बंद करना पड़ता है चलाना पड़ता है लेकिन इसके ज़रिए आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपनी वीडियो को आराम से बंद कर सकते हैं चला सकते हैं तो ये काफ़ी यूज़फ़ुल आइटम थी तो ये मुझे अच्छी लगी ये मैंने ऑर्डर की थी वहाँ से तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और ये एक बहुत मज़े की चीज़ है ये फेस की एक्सरसाइज़ के लिए है एक्चुअली मुझे हमेशा से अपना फ़ेस थोड़ा बड़ा लगता है तो आ, मैंने ये देखा था तो मुझे काफ़ी यूज़फुल आइटम लगी और ये फेस की एक्सरसाइज़ के लिए एक टूल है अभी तक वैसे मैंने इसको कोई इतना खास यूज़ नहीं किया लेकिन अब मैं रेगुलर इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं इसके रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी कि ये यूज़फुल आइटम है या यूज़फुल आइटम नहीं है लेकिन बेसिकली ये फ़ेस के एक्सरसाइज़ के लिए एक आइटम है और ये एक नेल कटर है जैसे आप फेक नेल्स वगैरह यूज़ करते हैं और आपको बहुत लॉन्ग लग रहे होते हैं तो उनकी कटिंग के लिए एक टूल है और ये भी मुझे यूज़फुल आइटम लगी थी और मैंने इसको ऑर्डर किया था लेकिन अभी मैं देखूँगी इसको यूज़ करके कि ये कैसा है अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया और ये कुछ नेल्स मैंने ऑर्डर किए थे और ये मुझे चाइना से मिले थे और ये काफ़ी दिन बाद डिलीवर हुए मेरे पास लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है ये और ये मैंने ग्यारह ग्यारह सेल में ऑर्डर किए थे और ये मुझे बहुत लेट रिसीव हुए तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं इसको अब बारह बारह सेल में ही आप लोगों के साथ शेयर करती दी हूँ लेकिन ये नेल्स क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और मुझे चाहिए थे और इनका साइज़ भी बहुत मुनासब था नेक्स्ट पार्सल में जी मैंने कुछ आई लाइनर्स ऑर्डर किए थे एक ब्राउन कलर में है एक ब्लैक कलर में है लेकिन मुझे अभी तक इनकी खुद भी कुछ खास समझ नहीं आई क्योंकि इनका ब्रश मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था आ, लेकिन यह है कि क्वालिटी वाइज़ अच्छे लग रहे हैं इनको मैं किसी मतलब छोटे ब्रश के साथ यूज़ कर सकती हूँ तो अच्छे हैं ये आई लाइनर्स दो मिले थे मुझे आई थिंक थ्री हंड्रेड कुछ रुपीज़ में मुझे मिले थे अब प्राइसेस मुझे इन सब आइटम्स की एक्जैक्टली याद नहीं है लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मैं फिर आपको बता दूँगी कि इसकी क्या प्राइस थी तो वैसे अब तो सेल ख़त्म हो चुकी है लेकिन चलें अगर नेक्स्ट आपने ऑर्डर करना हो तो आप ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और नेक्स्ट पार्सल में मैंने एक टेप डिस्पेंसर ऑर्डर किया था और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि एक तो ये है कि इसके साथ टेप लगी रहेगी तो आपको आसानी से मिल भी जाती है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी भी, भी है और दूसरी बात यह कि जब भी आपने कोई चीज़ टेप करनी हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको कटिंग के लिए सीज़र वग़ैरह ढूंढने के लिए तो फिर ये काफ़ी यूज़फुल आइटम थी और ये बहुत रिजनेबल रेट में मुझे आई थिंक वन नाइन्टी रुपीज़ में या टू हंड्रेड की रेंज में ये मुझे मिल गया था नेक्स्ट पार्सल में मैंने ये कुछ टीथ वाइटनिंग स्टिप्स ऑर्डर की थी और इनके मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पर ही और काफ़ी लोगों ने इसको ऑर्डर करके मंगवाया था तो मैंने सोचा मैं भी इसको ऑर्डर करके मंगवाती हूँ इसमें से दो ये सोशे पैक्स निकले थे लेकिन अभी तक मैंने इनको यूज़ नहीं किया है जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो ज़रूर इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो वैसे रिव्यूज़ तो इसके काफ़ी अच्छे हैं तो लेट्स ही देखते हैं यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है अभी तक मैंने इसको यूज़ करके देखा नहीं है और नेक्स्ट पार्सल में भी मैंने कुछ ब्यूटी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छी लगी मुझे आइटम्स स्पेशली इसमें जो ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने ऑर्डर किए थे ना वो मैंने इस बॉक्स की वजह से ही ऑर्डर किए थे और मुझे ये बहुत क्यूट लगे थे और वैसे भी ब्यूटी ब्लेंडर जब आप यूज़ कर लेते हैं तो इधर से उधर उधर से इधर हो रहे होते हैं तो इस बॉक्स में ये सेफ़ रहेंगे और बहुत ही क्यूट लग रहे थे और थ्री की रेंज में मुझे ये मिला था और काफ़ी रिजनेबल मिल गया था जिसमें फ़ोर ब्यूटी ब्लेंडर्स थे तो ये काफ़ी यूज़फुल आइटम थी तो ये मैंने ऑर्डर की थी उसके अलावा ये एक क्लेंजिंग ब्रश मैंने ऑर्डर किया था और ये भी क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है बहुत सॉफ्ट था और पीछे इसके स्क्रबर भी है और इसके अलावा ये बहुत सॉफ़्ट सा ब्रश इसके, इसके साथ है इसके साथ आप आराम से क्लेंजिंग या जो भी आपने फेस के लिए करना हो तो आप बहुत आसानी से इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है इसके अलावा जी एक मैंने फेशियल किट छोटी सी मंगवाई थी इसमें सारे स्टेप्स हैं फेशियल के और ये भी काफ़ी यूज़फुल लग रही है मुझे और इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और इन जब इसको यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी कि ये कैसा है यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है लेकिन ये आइटम्स भी काफ़ी अच्छी रहीं तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेवन स्टेप्स कोई फेशियल किट थी जिसमें सीरम वग़ैरह भी इंक्लूडेड था नेक्स्ट में जी मैंने एक माइक ऑर्डर किया है लेकिन इसकी समझ मुझे अभी तक नहीं आई है क्योंकि मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की है ये काफ़ी बड़ा सा है और इसके साथ काफ़ी बड़ी लीड है तो बोया माइक है ये और काफ़ी वायरल है ये मतलब मैंने काफ़ी इसके रिव्यूज़ देखे हैं और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं स्पेशली जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं तो इसको आप अपने मोबाइल के साथ अटैच करके तो वॉइस ओवर वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फ़ुल है या वैसे भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप इसको लगा लें तो काफ़ी अच्छी वॉइस जो है ना वो आपकी वीडियो में आ सकती है लेकिन इसको मैंने फ़िलहाल अभी तक तो यूज़ नहीं किया है अभी मैं देखूँगी इसको जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी इसके अलावा मैंने एक बॉब का मस्कारा ऑर्डर किया था इसके भी मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ सुने थे ये बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है आप दराज पे सर्च भी करेंगे तो आपको देख लेंगे कि काफ़ी रिज़नेबल है लेकिन इसकी क्वालिटी आई थिंक अच्छी है खोल के जब मैंने चेक किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसके अलावा एक कटर है ये भी मैंने ऑर्डर किया था दराज़ से और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ये भी मतलब किचन में यूज़ के लिए मतलब कोई आपने छोटी चुट छोटी चीज़ें कट करनी हो अनियन वग़ैरह या कुछ भी इस तरह का तो इससे आप काफ़ी आसानी से जल्दी जल्दी से कट कर सकते हैं वेजिटेबल कटर है बेसिकली ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और थ्री हंड्रेड की रेंज में ही मुझे ये मिला था और इसके अलावा ये एक बहुत ही बेनिफिशियल आइटम है ये सक्शन कैप है और विंटर्स में तो ये बेस्ट है और इसको मतलब आप शावर लेने के बाद अपने गीले बालों को इससे कवर कर सकते हैं और ये मेरे पास पहले भी थी और वो भी बहुत यूज़फुल मुझे लगी थी इसलिए मैंने दोबारा से इसको ऑर्डर किया है और इसके आगे बटन लगा होता है तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं और विंटर में जैसे कि आप गीले बाल हों तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही होती है तो विंटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप सभी इसको ज़रूर ऑर्डर करें और ये बहुत रीज़नेबल रेट में द्राज से मिल जाती है और ये तो मुझे बहुत पसंद आई चीज़ और ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास देखी इसके रिव्यूज़ देखे वीडियोस देखी इसके बारे में और ये कर्लर है बेसिकली और इसके साथ ये दो बैंड्स हैं और इसके साथ आप आसानी से जो है वो कर्ल्स आपके बालों में आ जाते हैं और इसको भी मैंने अभी तक फ़िलहाल तो यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं इसको यूज़ करके देखूंगी कि ये कैसा है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है और इजीली इससे आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं तो ये भी आइटम मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी और जितनी भी आइटम्स मैंने ऑर्डर की वो सब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी आइटम्स हैं और कोई भी इसमें से फजूल आइटम नहीं है और ये तो बहुत ही काम की चीज़ है लेकिन मुझे लगा था कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा लेकिन साइज़ का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये क्लीनिंग वगैरह के लिए बेस्ट चीज़ है जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी रेंज से दूर लगी होती हैं जैसे क्लॉक्स हो गए या कुछ वॉल माउंटेड आइटम्स हो गई कुछ पिक्चर्स हो गई कुछ सीनरीज हो गई इस टाइप की चीज़ों को कि सफाई के लिए है और बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो फिर ये सब चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी तो आई होप कि आप लोगों को मेरा दराज़ का शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है तो इन आज बहुत जल्द आप लोगों के साथ अब मैं किसी नेक्स्ट अच्छे व्लाग में ज़रूर मिलूँगी और इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी, जल्दी व्लाग्स बनाए करूँगी और जल्दी जल्दी व्लाग्स डाला करूँगी थैंक यू सो मच अल्लाफ